जब भी आप दूध का कुछ खाते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक यानी स्टमक के अंदर जो पेट होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, उससे वे इंटेस्टाइन में नीचे जाना खाने का वो स्लो हो जाता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होने से आपके स्टमक में पेट में यहाँ पे खाना ज्यादा देर रुकेगा, और अगर आपने ज्यादा खाना खाया फिर उस पर पानी भी पिया फिर उस पर दूध भी पिया या पनीर भी पिया तो फिर या फिर ऐसा कुछ लिया तो क्या होगा, पेट भर जाता है और उससे रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा पेट भरेगा जितना उतना रिफ्लक्स होगा, जितना देर भरा रहेगा उसमें झुकोगे और रिफ्लक्स होगा। तो आपको जो हो रहा है ये लैक्टोस इंटॉलरेंस नहीं है, ये गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स है। दिस इज GERD। इसके लिए आपको एक बार में कम खाना खाना पड़ेगा, और खाने के साथ लिक्विड्स कम लीजिए, और हर चार चार घंटे में खाओ, और अकेला दूध पियोगे अकेला पनीर खाओगे तो ऐसा नहीं होगा।